ऊपर दो दो पेपर कप की मशीनें लाइव चल रही हैं। इस ग्लास से हम लोग चाय पीते हैं, ये वही ग्लास है जो अभी लाइव तैयार हो रही है। वैसे 20 घंटा भी आप चलाइए मशीन में, कोई जो है फर्क नहीं पड़ने वाला है। मार्केट सीजन के हिसाब से बढ़ता है, लगन वगैरह में शादी में ज्यादा डिमांड होती है जी, और गर्मियों में ज्यादा डिमांड होती है। ब्लैंक यहाँ से सख्त होके जाने के बाद यहाँ फोल्डिंग होती है, और फोल्डिंग होने के बाद सिंपल नीचे जाके वहाँ डायरेक्ट बॉटम के पास बॉटम लग जाता है। और ये आपका बॉटम रोल है जो कट के वेस्टेज निकल रहा है, ये भी माल जो है वो बिक जाता है। आज आपको ले आने का यहाँ मेन मकसद ये था कि सबसे पहली चीज़ की आपकी जो चैनल दिखाती है वो ज्यादातर सच्चाई। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो के अंदर स्वागत है। दोस्तों आपको हम लेकर आ गए हैं बनारस के एक ऐसे गांव में जहां पर आपको लाइव पेपर कप की मशीन दिखाने वाले हैं, जो कि न्यू इंडिया मशीनरी से आई हुई है यहां पर। और आज न्यू इंडिया मशीनरी की ही तरफ से हम आ पहुंचे हैं कस्टमर के यहाँ। ये जो फैक्ट्री आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर दो दो पेपर कप की मशीनें लाइव चल रही हैं, ठीक है। तो इसी गांव में हम बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, और यहाँ के जो कस्टमर हैं उनसे भी हम बात करके बताएंगे कि आखिर यहाँ पर वो जो दो दो मशीन बैठा रखे हैं उससे इनका प्रॉफिट क्या हो रहा है, सब कुछ बताने वाले हैं। यानी कि मटेरियल खर्च से लगाए बिजली खर्च और ये जो रोजगार शुरू करने में क्या क्या उन्हें दिक्कतें आई थी, सब कुछ बताने वाले हैं। तो इस समय हम हैं राजा तलब वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में, और फैक्ट्री के अंदर हम आपको विजिट कराते हैं। फैक्ट्री के अंदर आपको दो दो मशीनें लाइव दिखाने वाले हैं। अब हम एंट्री करते हैं और लाइव दो दो पेपर कप की मशीन दिखाने वाले हैं। अभी तक मैं आपको जितना भी वीडियो दिखा रहा था सिर्फ नॉर्मल मशीन दिखा रहा था, खड़ी मशीन दिखा रहा था जिसमें वर्क नहीं हो रहा था, ठीक है, बस जानकारी दे रहा था। लेकिन आज पहली बार हमारे चैनल पर लाइव मशीन आपको देखने को मिलने वाला है। पहले आपको हम थोड़ा सा प्रोडक्शन दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं जिस ग्लास से हम लोग चाय पीते हैं, ये वही ग्लास है जो अभी लाइव तैयार हो रही है, ये छोटा साइज जिसमें हम लोग चाय पीते हैं दुकानों में। तो यहाँ पर प्रोडक्शन देख सकते हैं, प्रोडक्शन यहाँ पर इस तरह से कुछ पैकिंग हो चुका है, यहाँ पर माल रेडी हो गया है, जाने के लिए तैयार है। और यहाँ पर देखिए मशीन चल रहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए जितने भी ग्लास हैं, ये ग्लास हर तरह का यहाँ पर पैक होकर मार्केट के अंदर जाने के लिए रेडी है, और यहाँ लाइव मशीन चल रहा है। आज इसी मशीन के बारे में हम पूरा डिटेल बात करने वाले हैं और सब कुछ बताएंगे, कस्टमर से भी यहाँ तक की बात करके बताने वाले हैं कि उनको क्या क्या दिक्कतें यहाँ पर झेलनी पड़ी थी। न्यू इंडिया मशीनरी के ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं भैया। नमस्कार। क्या चल भैया? बहुत बढ़िया। आज हम लोग पहली बार मतलब लाइव मशीन देखने जा रहे हैं पेपर कप। सबसे पहले कि पिछला वीडियो में जैसा कि हमने डिस्कस किया था जी, कि आप गोडाउन का वीडियो था पेपर कप का, एक नहीं दो दो वीडियोज हैं। तो उस समय क्या था कि गोडाउन पे था, लोगों को थोड़ा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि भाई क्या बिजनेस कैसे होता है, नहीं होता। इसीलिए आप देख सकते हैं ये पूरी फैक्ट्री में, और ये बनारस से 15-20 किलोमीटर की दूरी पे है, ये पूरी फैक्ट्री में लेके आया, जहाँ हमारे क्लाइंट जो है एक नहीं दो नहीं दो दो तीन तीन मशीनें यहाँ पर लगाए हैं और ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये पेपर कप एक चल रहा है और एक वहाँ पर देख सकते हैं दूसरा पेपर कप वहाँ पर लगा हुआ है, वो भी अभी रन करके दिखाएंगे आपको। जी बिल्कुल। आज हम मशीन के बारे में टेक्निकल बात भी आपको बता देंगे और सामने लाइव दिखा देंगे कि कैसे मशीन जो है वो चलता है, और एक आदमी ही मशीन को जो है ऑपरेट कर सकता है। ये कौन सी मॉडल की मशीन है भैया? ये 1000 सीरीज की मशीन है, डायरेक्ट बॉटम की मशीन है 1000 सीरीज की। ये मशीन वही सेम जो है हम लोग ग्राउंड में पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे जी, वो मशीन और ये मशीन बिल्कुल सेम है जी। थोड़ा सा बताएं कि इस मशीन के बारे में कैसे ये काम कर रहा है। देखिए सबसे पहले तो मैं पहले वीडियो में भी आपको बताया था, इसमें भी बता रहा हूँ कि सिंगल फेस थ्री फेस दोनों में मशीन वेरियंट जो है अवेलेबल होता है जी। एक बंदा सिर्फ चाहिए होता है मशीन को चलाने के लिए। मशीन में ऑटोमेटिक आप बॉटम रोल, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, इधर आ जाइए जी, कि डायरेक्ट बॉटम क्या होता है, इसको हम लोग बहुत विशेष बात किए थे कि डायरेक्ट बॉटम क्या होता है। ये होता है डायरेक्ट बॉटम, पहले के मशीनों में जो गियर बक्से वाली मशीन आती थी उसमें ये सिस्टम नहीं था। ये सीधे क्या होता है कि ये डायरेक्ट बॉटम यहाँ से लगा और पेंदी सीधे नीचे जाके चिपकता है। अच्छा, बॉटम मतलब पेंदी। ये देखो थोड़ा सा जूम करके आप दिखाइए, ठीक है। तो यहाँ पर पेंदी देख सकते हैं किस तरह से ये चिपक रहा है। ये प्रोसेस दिखाइए कस्टमर को। तो यहाँ से जब डायरेक्ट लगेगा इसी को डायरेक्ट बॉटम बोलते हैं। अच्छा। इन द सेंस कि अब इसकी जो कप बने हैं, हाँ, तो इसकी सीलिंग काफ़ी जो है वो मजबूत होती है दूसरे मशीन के मुकाबले। आप ये देखिए जो सीलिंग होगी ये काफ़ी मजबूत होगी डायरेक्ट बॉटम होने की वजह से। यही चीज़ हम क्लाइंट को एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि इसलिए डायरेक्ट बॉटम जो मशीन है अब के टाइम में अच्छा माना जाता है। बाकी आप मशीन देख सकते हैं, ये आपका बॉटम रोल है जो कट के वेस्टेज निकल रहा है, ये भी माल जो है वो बिक जाता है।
अच्छा ये एक राउंड में कितना कप तैयार कर रही है भैया? देख सकते हैं एक राउंड में 8 मोल्ड 9 मोल्ड 10 मोल्ड हर साइज की मशीन आती है, जितना मोल्ड के साथ आप लोग एक राउंड में बनेगा पूरा डाई जो है सिस्टम इसमें लगा होता है, आप देख सकते हैं क्लियरली। वहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से प्रोडक्शन हो रहा है। बिल्कुल पूरा प्रोडक्शन दिखाइए, थोड़ा सा बताइए कि कैसे क्या क्या है, वो कौन सा पेपर लगाया गया? ये आपका ब्लैंक पेपर सेक्शन हो गया। यहाँ जो है हम लोग ब्लैंक को ऐसे देखिए, सिंपल सा समझिए, ब्लैंक को हम लोग ऐसे यहाँ रख देते हैं, यहाँ से ब्लैंक नीचे सख्त होके निकलता है। ब्लैंक यहाँ से सख्त होके जाने के बाद यहाँ फोल्डिंग होती है, और फोल्डिंग होने के बाद सिंपल नीचे जाके वहाँ डायरेक्ट बॉटम के पास बॉटम लग जाता है, और पेपर कप तैयार होकर वहाँ काउंटिंग हो गया, आपको वहाँ फाइनल सेक्शन में मिल जाता है। अब देखिए ज्यादा यहाँ पर ज्यादा लेबर कॉस्ट भी नहीं आने वाला है, बस एक मशीन एक लोग चला सकते हैं। हाँ तो ज्यादा कुछ नहीं करना, लगातार यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वहाँ दिखाइए एक बार, वो जो प्रोडक्शन है लगातार होता जा रहा है और बस निकाल 18 से 20 घंटा भी आप चलाइए मशीन में कोई जो है फर्क नहीं पड़ने वाला है। और विशेष चीज़ जो मैं ये कहना चाहता था कि बहुत अभी क्लाइंट्स का पेपर कप का रिक्वायरमेंट आ रहा है, जिनका बजट लाख रुपए से कम है, उन लोग हमसे बहुत इंक्वायरी किए कि हमको ट्रेडिंग करना है, तो आपके वीडियो के माध्यम से हम ये भी बताना चाहेंगे लाइव कस्टमर्स को कि जो कम बजट वाले क्लाइंट्स हैं आप इस फैक्ट्री में आएँ, मैं यहाँ के ऑनर का नंबर शेयर कर दूँगा, यहाँ से माल उठाएँ और अपना ट्रेडिंग करके बेचें। अगर जिसको छोटे पैमाने पर स्टार्ट करना है यहाँ आए, यहाँ के ऑनर से मिले, ये लोग भी बहुत भले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो साइज की कप चाहिए ग्लास चाहिए उठाइए और इनसे अपना रेट लेके मार्केट में सेल कीजिए, क्योंकि ये तो फैक्ट्री कॉर्नर है तो ये तो डीलर रेट पे ही माल देते हैं। अच्छा यदि कोई मशीन लगाता है भैया तो उनको जगह कितना चाहिए? आप देख सकते हैं नीतीश भाई, मतलब 6 फीट में आपकी मशीन आ गई तो क्या इसके लिए जगह मिली, क्योंकि यहाँ तो सिस्टम ज़्यादा है, बड़ा गोडाउन है तो है, बाकी 10x10 का कमरा भी काफी होता है एक बिजनेस को चालू करने के लिए, आपके सामने सब लाइव है। अच्छा ये मोटर कितने एचपी का लगा गया है? मोटर इसके टोटल 5-6 एचपी तक का ही होता है, ज्यादा 5-6 एचपी तक का। बिजली खर्च क्या अप्रोक्स में आता होगा? बिजली खर्च अप्रोक्स आपको एक दिन में बहुत आएगा तो सर मान के चलो कि 700-800 का। इसके लिए कमर्शियल बिजली लेना जरूरी है? हाँ कमर्शियल इन द सेंस कि अगर आप 3 फेस लेते हैं तो कमर्शियल में वैसे भी आपको जाना पड़ेगा, अगर सिंगल फेस में भी लेते हैं तो आप अपनी प्रॉपर लाइसेंसिंग वगैरह लघु और कुटीर उद्योग की करा के रखिए, जिसमें कि आपको आगे चल के कोई मुसीबत ना आए, कल के कोई आया बोला कि भाई आप घर में बिजनेस कर रहे हो तो उस चीज़ का पेपर वर्क होता है वो हम लोग करा के देते हैं बड़े भाई। बिल्कुल। तो दोस्तों अभी मैं आपको यहाँ के जो कस्टमर मतलब ये जो मशीन लगा रखे हैं उनसे हम बात करने चल रहे हैं और उनसे जानकारी लेंगे कि एकदम पंखे की चोट पे कीजिए, आप देख सकते हैं और पूरी फैक्ट्री ये देख सकते हैं इनकी जी, माल स्टॉक पूरा भरा पड़ा है यहाँ पे, कोई भी चीज़ की कोई भी दिक्कत यहाँ नहीं होने वाली। हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ के कस्टमर हैं, जो अंकल जी हैं वो मौजूद हैं और जिन्होंने दो दो मशीन पेपर कप की लगा रखी है। अंकल जी पहले तो अपना नाम बताएं। बेटे के नाम से फैक्ट्री है, प्रवीण कुमार विश्वकर्मा के नाम से, मैं उनका फादर बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ दो मशीन लिए, 210 ml पेपर कप का। ये कहाँ पर मशीन लगा रखे हैं आप? ये राजा तालाब में लगा रखा है, जखनी रोड पे। अच्छा, दो मशीन आपने लिया तो मशीन लेने में क्या क्या थोड़ी सी दिक्कतें आई थी और क्या क्या इस मशीन से प्रॉफिट है? मशीन लेने में दिक्कत नहीं है, थोड़ा टेक्नीशियन देर में मिला था सेट करने के लिए तो अब सेट हो गया है, मशीन चल रही है। मशीन काम कर रहे हैं? हाँ मशीन ठीक से काम कर रही है, हमारा जो 50 ml कप है 65 ग्लास पर कप के लिए सेट किया गया है जी जी, और 210 ml का जो कप है वो 50 पर मिनट के लिए कप बनाता है। अच्छा ये बिजनेस कब शुरू किए थे इसका? ये हम तो मशीन एक जून में लगाया था, एक अभी अक्टूबर मशीन आ गई थी, अभी स्टार्ट हुई है अभी। अच्छा अच्छा, ये एक मशीन आपने जून में लगाया और एक अभी हाल में ही लिया है? अभी हाल में लगाया। क्या प्रॉफिट इसमें लग रहा है आपको थोड़ा बताएं? इसमें इसका मार्जिन निकल गया 210 ml पर 100 पर 5 से 6 रुपए की बचत होती है जी जी, पर 100 कप पर। मतलब यदि ये कोई बिजनेस सोच रेट घटता बढ़ता रहता है सीजन के हिसाब से जी जी, तो 5 से 6 रुपए का 100 कप पर आपको प्रॉफिट होगा जी, इसका 3 से 4 रुपए आएगा 250 ml कप का। अच्छा कोई सोच रहा है यदि इसका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जो लोग देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे, इसका बिजनेस करना कैसा रहेगा? पूरा इसके बारे में जानकारी कर लें तभी बिजनेस इस लाइन में आए जी जी, टेक्निकल लाइन है, अगर विलेज में लगाएंगे तो ऑपरेटर को मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि आप यहाँ इस बिजनेस में लगभग हो गया 6-7 महीने हो चुके हैं आपको, तो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए इसके बारे में। एक्सपीरियंस यही, तो पावर कनेक्शन में थोड़ा दिक्कत आती है, डिले हो जाता है, सेटअप करने पर है, टाइमली काम होता है तो कोई दिक्कत नहीं है,
बाकी अब पावर सप्लाई अब ठीक आ रही है, बीच में गर्मियों के दिन में कटता था ज़्यादा जी, अब सप्लाई ठीक आ रही है। बाकी कंपनी की तरफ से सर्विस कैसा था? हाँ, बाकी कंपनी की तरफ से सर्विस ठीक ही है, थोड़ा टेक्नीशियन डिले में, बाहर से टेक्नीशियन आना था तो टेक्नीशियन नहीं मिल पाया था, अब कोई अब दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है सर, और यहाँ पर देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा हम दिखाते हुए चलें, यहाँ पर देखिए दूसरा पेपर कप का मशीन है। अच्छा, कौन कौन से मॉडल में अंकल जी आपने मशीन ले रखी है? प्राइस 700 है, ये 210 ml कप, और इसमें 150 ml कप का बना सकते हैं आप, इसमें दो तरह का डाई इसमें चेंज लग सकता है, 150 ml कप का और 210 ml कप का। अच्छा, मतलब दोनों अलग अलग, हाँ, डाई चेंज करना पड़ेगा जी, जी, जी। दो तरह के काई कप बना सकते हैं इससे। अच्छा, मार्केट की बात की है तो मार्केट कैसा है इसका? मार्केट सीजन के हिसाब से बढ़ता है, लगन वगैरह में शादी में ज़्यादा डिमांड होती है जी, जी, जी। और गर्मियों में ज़्यादा डिमांड होती है, डिमांड के हिसाब से है, जैसे जैसे पार्टी होती है या जैसे लगन का होता है उसे डिमांड बढ़ता है जी, बिल्कुल। बाकी दोस्तों यदि ये बिजनेस आप करना चाहते हैं ना, तो सबसे बेहतर आप लोगों के लिए होने वाला ये देखिए यहाँ पर मटेरियल है। अच्छा, मटेरियल में आपको क्या रेट मिल जाता है लोगों में? ये मटेरियल की क्वालिटी के हिसाब से है, एक पेपर रॉयल पेपर होता है, सेंचुरी पेपर होता है, ये रॉयल पेपर है, सेंचुरी पेपर बहुत अच्छी क्वालिटी का पेपर होता है जी, जी, जी। तो इसका 90 तो क्या कंपनी की तरफ से प्रोवाइड होता है? नहीं नहीं, ये रॉ मटेरियल आपको लेना पड़ता है, इसकी दूसरी कंपनी बनाती है उनसे लेना पड़ता है जी, जी, जी। रॉ मटेरियल बाहर से लेना पड़ता है दूसरी कंपनी से, 90 से 100 रुपये किलो मिलता है, सीजन के हिसाब से रेट के हिसाब से बदलता रहता है, रेट घटता बढ़ता रहता है। कस्टमर से भी बात हुआ, कस्टमर का भी काफ़ी अच्छा रिव्यू रहा यहाँ के बारे में, और इसमें मतलब 2024 का काफ़ी अच्छा बिजनेस ये है, 2024 का भी कह सकते हैं और 2055 का भी कह सकते हैं और 2010 का भी कह सकते हैं। फैक्ट इज दैट ये है कि ये बिजनेस कभी बंद नहीं, पेपर ग्लास कल भी था, आज भी है, और आने वाले ज़माने में भी नीतीश भाई रहेगा, तो नो डाउट 100% सिक्योर बिजनेस है। आँख बंद करके कस्टमर जो है इस लाइन में आ सकते हैं, और विशेष जानकारी के लिए और जो खास करके आपके चैनल के माध्यम से आए तो उनके लिए स्पेशली हम लोग जो है कुछ ना कुछ अलग से रखेंगे, और आए समझे देखें और अच्छा लगता है तो काम को शुरू करें और घर बैठे अपना रोजगार करें जी। बाकी आप लोगों को सारा सच्चाई बता दिए कि आखिर इसमें कितना प्रॉफिट है, कितना इसमें मार्जिन है, सब कुछ मटेरियल खर्च वगैरह सब कुछ बता दिए। ये भी मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि बहुत सारे पेपर कप के वीडियोस हैं, बहुत सारे कंपनियों के आप देखेंगे, इनफैक्ट कि आपने भी हमारे कंपनी में जाके वीडियोस बनाया है। आज आपको ले आने का यहाँ मेन मकसद ये था कि सबसे पहली चीज़ की आपकी जो चैनल दिखाती है वो ज़्यादातर सच्चाई दिखाती है, 90-95% रेशियो आप लोगों का सच का रहता है, तो इसलिए हम इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम आए हैं अपने कस्टमर के घर, इतना दूर चल के कि देखिए कि भैया अगर मशीन लगाते हैं तो लोग चलते कैसे और फैक्ट्री कैसे बढ़ाते हैं और एक मशीन से चार मशीन करते कैसे हैं। आपको ले आने का मेरा मेन मकसद ये था आज यहाँ। बिल्कुल भैया, बाकी एक बार आपकी कंपनी में जो लोग विजिट करना चाहते हैं, इंक्वायरी करना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल्स है, नंबर है, बनारस में हमारी कंपनी है, इलाहाबाद में भी है, बनारस में भी है, और भी जगह पर है फिलहाल, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, डिटेल्स है, आप हमारे टीम से संपर्क करें, हमारे टीम के सारे लोग जैसे कि मिली सिंह, दिव्यांशु सिंह और भी बहुत सारे लोग हैं, 10-12 लोग हैं, वो तो जल्दी जल्दी आपको जो है रिप्लाई करेंगे और सारी तरीके की जानकारी देंगे, व्हाट्सएप पे डिटेल शेयर करेंगे, एड्रेस वगैरह बताएंगे और आपको विजिट कराने के लिए बुलाएंगे। बिल्कुल। बाकी दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं इसके बारे में भी बताइएगा। बाकी यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ का एड्रेस और मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया गया है। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।